पाकिस्तान इंटरनल सिचुएशन एंड लाइन ऑफ कंट्रोल आर टू डिफरेंट थिंग्स. आई वॉन्ट लाइक टू कमेंट एनीथिंग इनसाइड पाकिस्तान बिकॉज दैट द इंटरनल मैटर. लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ ड्यूटी टू गार्ड बाई आर्मी एंड आर्मी इज फुली इन कंट्रोल ऑफ इंश्योरिंग दैट नो इन्फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल. And we do not get impacted by internal situation in Pakistan. सर कुछ रोज पहले उदयपुर में एक इंसिडेंट हुआ ग्रेनेड का, उसके बाद रजौरी के कोडरंगा में हुआ. क्या आप मान सकते हैं कि दोहरे से मिलिटेंसी जो है वो रिवाइव हो रही है रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? देखिए, जब भी कहीं शांति डेवलपमेंट और पीस बढ़ता है तो जो दुश्मन है वो खुश नहीं होता है, फिर वो कोशिश करता है कि उसको किस तरह से शांति को भंग किया जाए. इस तरह के स्पोरैडिक इंसिडेंट, किसी को भी ग्रेनेड दे देना, उसको फेंक देना, एक ये बिल्कुल ही बुजदिल वाला काम है, उसमें कोई बहुत हिम्मत की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे काम हमारा दुश्मन कर सकता है, लेकिन हम पूरे मिलकर अगर साथ से चलेंगे तो मेरे को विश्वास है कि दुश्मन हमारी जो एकजुट की मुट्ठी का ताकत है उसको तोड़ नहीं पाएगा और हम इसमें पूरा सक्सेस हो जाएंगे. और वो जो हमारे गुमराह नाजुक और जो दोस्त हैं जो गुमराह हो जाते हैं किसी कारण से, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और दुश्मन बिल्कुल इस कार्रवाई में फेल हो जाएगा. सर अभी जो स्नोफॉल जो है नहीं हो रहा, तो स्नो मेल्ट भी हो रही है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो एलओसी के अक्रॉस में जो कैंप्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं? वो हो सकते हैं, उनकी कोशिश करी जाएगी. बिकॉज पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में अमन शांति भंग कर दी जाए, तो वो एक्टिवेट करेगा, लेकिन हम उस चीज़ का जायज़ा रखते हैं और हमारी कार्रवाई पूरी तरतीब से चल रही है कि उसकी जो कोशिश है वो नाकाम रहे. वो कोशिश कर सकता है, नाकाम हो जाएगा. सर नंबर ऑफ मिलिटेंट्स ये जो होता है ये असेसमेंट होती है, किसी ने फिज़िकली देखे नहीं होते हैं. बहुत सी एजेंसियां हैं, वो इनपुट आती है और इनपुट का जो वेरिएशन चलता रहता है, और इसमें कोई इतनी बड़ी भी इनपुट नहीं है कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं. जिस तरह से अगर कंपेयर किया जाए 2021 2022 तो माइनर वेरिएशन है, लेकिन कोई ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं. दूसरा ये ड्रोन का ख़तरा है, ये ड्रोन का जो मैक्सिमम एक्टिविटी हो रहा है आईबी सेक्टर में हो रहा है. एलओसी सेक्टर में ड्रोन का ज़्यादा खतरा नहीं है, तो आईबी सेक्टर में हमारी जो तैनात बीएसएफ है उसका जट के मुकाबला कर रहे हैं, और एलओसी सेक्टर जो कि हमारे नीचे है उसके अंदर ड्रोन का आज तक कोई ज़्यादा ऐसा एक्शन नहीं हुआ कि आर्म ड्रॉपिंग उसके अंदर हुई हो एलओसी सेक्टर के अंदर.